जो कल से पूरे गुजरात में अशांति का माहौल बना हुआ है, मैं पूरे गुजरात के परिवारों को विनती करता हूँ कि शांति का माहौल बनाए रखें, घर से बाहर ना निकले। और पूरे गुजरात से अपील भी ये है कि हमें कुछ गलत मार्ग पर ले जा रहा है पॉलिटिकल इश्यू की वजह से। हम सब भाई है, चाहे वो कोई से भी समुदाय से हो, हम साथ बैठकर इस देश की और इस गुजरात के विकास की बात कर सकते हैं। आपस में लड़ाई से सिर्फ आपका और हम सबका नुकसान होगा। महत्तम बात यह है कि कल 55 दिनों से जो रैलियां चल रही है, कल ही ऐसा क्यों हुआ? इतनी जनसंख्या आई हुई थी, हमने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री से हम यहाँ पर बुलाएंगे अपना विज्ञापन देने के लिए, लेकिन इतनी सारी जनता थी, सबकी अपील थी कि भाई हमें रैली निकालनी है, तो हमने डिवाइड कर दिया 1 या 2 में, कि कुछ लोग रैली में जाए, कुछ लोग अनशन में बैठे, ताकि पब्लिक डिवाइड होकर कोई अनिश्चित बनाव ना बने। आईबी का रिपोर्ट था कि कुछ होने वाला है, फिर भी पुलिस ने हमारी धरपकड़ की और उसके बाद गुजरात में ये सब कुछ हुआ। हमने 11:30 बजे हमारी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई गुजरात में शांति बनाए रखे, सब आंदोलनकारी घर चले गए थे, फिर भी पुलिस ने घर में घुसकर बच्चों को मारा, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, जला दिए गए। उसके बाद उन लोगों ने प्रतिक्रिया दी बच्चों ने, और उसमें कई बच्चे शहीद भी हुए, और उन शहीदी को हम नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी शहीदी को पूरी तरह से मोक्ष मिले। लेकिन गवर्नमेंट से खुली चेतावनी देते हैं कि 48 घंटों में जो जीएमडीसी ग्राउंड पर जो पुलिस कर्मी फर्ज पर थे उनको सस्पेंड किया जाए। जहां जहां पर हमारे बच्चों की हत्या हुई है, वहां पर जो भी अधिकारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, एएसआई हो, पीएसआई हो, पीआई हो, उन सब लोगों को अभी सस्पेंड किया जाए, और सस्पेंड करने के बाद पुलिस को हटा दिया जाए, गुजरात से मिलिट्री को दिया जाए, ये गुजरात, और हम घर बैठेंगे, गुजरात में शांति लाएंगे, और हम किसी प्रकार का यहाँ पर अशांति नहीं चाहते इस गुजरात में।